नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी की अपील पर बिजली विभाग के बयान की, तेजस्वी के नीतीश पर कटाक्ष की, जानेंगे सीएम योगी क्यों हुए मायावती के मुरीद और शिवराज ने क्यों पलटा कमलनाथ का फैसला, और आखिर में बात अर्थव्यवस्था के बंट आधार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की अपील पर बोले राहुल गांधी, कहा तालियां बजाने और टॉर्च जलाने से नहीं निकलेगा समस्या का हल। पीएम मोदी ने की थी देश की जनता से रोशनी करने की अपील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने पीएम मोदी पर कसा तंज, चौहान ने कहा पीएम केयर्स के बहाने खुद का कर रहे हैं प्रचार, दुनिया के किसी नेता ने राहत पैकेज को नहीं दिया अपना नाम। महंगाई पर बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, कहा महंगाई रोकने के लिए आपूर्ति चेन बनाए रखना जरूरी, आपूर्ति चेन टूटने से आसमान छूने लगेगी महंगाई। केंद्र ने की राज्यों की मदद, सरकार ने राज्यों को दिए 17,287 करोड़ रुपए, वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में मिलेगी मदद। टाटा AIA लाइफ की पॉलिसी धारकों और एजेंटों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा, पॉलिसी धारकों को बीमित राशि के अलावा 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान, सक्रिय एजेंट और उसके परिवार के सदस्यों को 25,000 रुपए की देगी मदद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समस्या से उबारने के लिए पूरे देश में बंद का ऐलान किया, जिसके बाद लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और विपक्ष ने इसे बिना तैयारी के उठाया गया कदम भी बताया। लेकिन अब पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि उससे बिजली विभाग को ब्लैकआउट की चिंता सताने लगी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 5 अप्रैल की रात 9:09 के लिए घर की लाइटें बंद कर दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल फ्लैश लाइट जलाने की अपील की है। पीएम ने मौजूदा परेशानी का सामना कर रहे लोगों से मुसीबत की घड़ी में एकजुटता का संदेश देने की अपील की है। हालांकि पीएम मोदी की इस अपील से बिजली कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जी हां, कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ब्लैक आउट टालने की होगी। अगर 130 करोड़ देशवासी एक साथ बिजली बंद कर देते हैं और 9 मिनट बाद एक बार फिर से जलाते हैं तो ब्लैकआउट की वजह से परेशानी बढ़ेगी। दरअसल हमारे घरों तक 3 तरीकों से बिजली पहुंचती है। पहला पावर जनरेटर्स जैसे NTPC, दूसरा हर राज्य में मौजूद वितरण कंपनियां और तीसरा राज्य भार प्रेषण केंद्र या फिर SLDC। SLDC बिजली की मांग के साथ आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली आपूर्ति को एक दिन में प्रत्येक 15 मिनट के 96 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि SLDC हर राज्य में ब्लॉक के लिए मांग और आपूर्ति का शेड्यूल बनाता है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी 15 मिनट के लिए बिजली बंद करने को कहते तो 15 मिनट का एक ब्लॉक बंद कर दिया जाता, लेकिन ये 9 मिनट चुनौती बन गए हैं। इसमें SLDC की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। पावर ग्रिड लाइनों में बिजली की आवृत्ति 48.5 और 51.5 हर्ट्ज के बीच हो, ये SLDC सुनिश्चित करता है। अगर ये बहुत अधिक हो जाता है या बहुत कम तो लाइनें कट सकती हैं। इससे देश भर में बिजली की समस्या खड़ी हो सकती है। 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकआउट कुछ ऐसा ही हुआ था, जब अचानक मांग बढ़ने से ट्रिपिंग हुई और लगभग 60 करोड़ भारतीयों के घरों की बिजली चली गई थी। यानी इस बार भी ऐसा होने की संभावना है। ऐसे में पीएम मोदी के फैसले से पैदा हुए उन चुनौतियों से बिजली विभाग कैसे निपटेगा, ये देखना होगा। तो रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, पीएम मोदी की अपील को लेकर पहले बिजली कंपनियों को ब्लैकआउट का डर सता रहा था, लेकिन अब ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को समझाया है कि 9 मिनट तक बिजली बंद होने से पावर ग्रिड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, देश के लिए ये बहुत कठिन समय है। लोग पहले ही बीमारी से और आर्थिक बदहाली से घबराए हुए हैं। इस वक्त देश को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो उनके दिलों में सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद जगा सके। मोदी जी के अच्छे दिनों का नारा तो अब गायब ही हो चुका है और इन बुरे दिनों में वे जो कुछ कर रहे हैं उससे भी परेशानी बढ़ ही रही है। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मोदी जी वन मैन शो चलाना चाहते हैं, जबकि देश सबके साथ से चलता है, अकेले नहीं। वो जो भी करते हैं, यानी मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं, उसमें अक्सर विशेषज्ञों की राय शुमारी नहीं करते। आपको याद होगा कि नोटबंदी की जानकारी भी उनकी कैबिनेट के बहुत कम लोगों को थी। तब उन्होंने अर्थशास्त्रियों की बात नहीं मानी, नतीजा पूरे देश ने भुगता। अभी हाल में जनता कर्फ्यू के वक्त भी उन्होंने जो ताली और थाली बजाने को कहा उसका भी बहुत लोगों ने गलत मतलब निकाला और जुलूस निकालने पहुंच गए। सब कुछ बंद करने की घोषणा की
तो भी लोगों को उससे भी घबराहट फैल गई लोगों में, और जो अमीर और संपन्न तबके के लोग थे वे अपने घर में राशन, दूध, सब्जी इकट्ठा करने लग गए, जबकि गरीब आदमी को सड़कों पर भटकना पड़ा। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने विशेषज्ञों की राय लिए बिना अचानक घोषणाएं की। अभी भी जो उन्होंने लाइट्स बुझाकर दिए और मोमबत्ती की रोशनी करने को कहा है उसमें भी लोगों के बीच घबराहट फैली कि एक साथ लाइट्स बंद होंगी और फिर चालू होगी तो लोड बढ़ेगा और पावर ग्रिड ठप हो जाएगी। हालांकि ऊर्जा विभाग कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह खबर पहले आई थी कि ऐसा ऊर्जा विभाग का भी कहना है। लेकिन बेहतर यह होता कि अगर पीएम खुद बिजली विभाग के जानकारों से सलाह मशविरा करके ऐसा कोई ऐलान करते। अभी तो आलम यह है कि पीएम कहते कुछ और हैं और लोग अपनी समझ से उसका मतलब कुछ और निकालते हैं। इसीलिए पीएम को इस बार अपने संदेश में यह भी कहना पड़ा कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोशनी करें। लेकिन मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि जब देश पहले से परेशानी में है तो ऐसे में हर बात को इवेंट में तब्दील करने से क्या मिलेगा। इसमें उनका प्रचार भले ही हो जाता हो लेकिन देश तो पहले से और भी ज्यादा परेशानी में आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 21 दिनों का बंद घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी जनता से 3 बार मुखातिब होकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मान रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते नजर आए। मौजूदा स्वास्थ्य हालात पर प्रधानमंत्री मोदी जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं। लोगों से घरों में रहने को कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन जब बीजेपी के खुद के नेता प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर अमल नहीं कर रहे तो भला जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल बीजेपी नेता मनोज तिवारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भीड़ को मास्क बांटते नजर आ रहे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिस पर विरोधियों ने बीजेपी को अपने नेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ सही ढंग से पढ़ाने की नसीहत दी है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ट्विटर पर लिखते हैं, मनोज जी ना तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन कर रहे हैं ना ही करवा रहे हैं। आप दिल्ली के सांसद हैं और भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष भी। आपसे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बातों का पालन करें और करवाएं। आपके और जनता के मास्क के क्वालिटी में अंतर क्यों? जब देश मुसीबत के दौर से गुजर रहा है हर इंसान को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे में अगर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के इस तरह के वीडियो सामने आएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। उम्मीद करेंगे कि विरोधियों के चेताने के बाद मनोज तिवारी प्रधानमंत्री की कही बातों पर अमल करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छे से पालन करेंगे। एक तरफ देश भर में लागू बंद को बीजेपी सांसद ही सरकार के फैसले को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वहीं देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो इस बंद के कारण बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। कई गरीब ऐसे हैं जिन्हें सरकार के राहत पैकेज के बावजूद रोटी नसीब नहीं हो रही, जिसके चलते अब तेजस्वी यादव ने ऐसे ही लोगों की याद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को दिलाई है। देश में 21 दिनों की तालाबंदी के बाद गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हुआ तो केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों तक राहत पैकेज के जरिए मदद पहुंचानी शुरू कर दी, जिसका फायदा भी गरीबों को मिल रहा है। लेकिन अभी भी कई खामियों की वजह से कई लोग राहत पैकेज से दूर हैं, जिनकी याद अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिलाई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार से ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि प्रदेश में जीवन यापन के लिए दैनिक आय पर निर्भर रहने वाले करोड़ों असहाय गरीब लोगों का एक बड़ा वर्ग है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिनके नाम राशन कार्ड में नहीं है और पूर्व के लाल कार्ड धारी जिनका राशन कार्ड अभी बन नहीं पाया है। ऐसे गरीब लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और राशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, अतः इन असहाय लोगों को राशन और आर्थिक मदद की व्यवस्था करना अनिवार्य है। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट के जरिए कई लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट न होने के कारण हो रही परेशानी से भी रूबरू करवाया। तेजस्वी ने ट्वीट किया, बिहार के कामगार, प्रवासी और अन्य मजदूर भाइयों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने के कारण 1,000 रूपए की प्राप्ति में भी समस्या उत्पन्न होगी। किसी के पास आधार नहीं है, किसी का मोबाइल अपडेट नहीं है, किसी के पास बैंक खाता नहीं है। तेजस्वी यादव ने इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समाज के हर गरीब तक मदद पहुंचाने की अपील की है। दरअसल समाज का बड़ा वर्ग अभी तकनीकी दुनिया से बहुत दूर है, ऐसे में इन लोगों तक मदद पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव की अपील का बिहार सरकार पर क्या असर पड़ता है और सरकार हर गरीब तक मदद पहुँचाने के लिए किन वैकल्पिक उपायों का सहारा लेती है।
अब एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लोगों की परेशानियों को लेकर नीतीश सरकार की नाकामी उजागर कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के मुखिया तो अपने प्रतिद्वंदी के ही मुरीद हो रहे हैं। अक्सर सत्ताधारी योगी सरकार की आलोचना करने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने परेशानी की घड़ी में एक ऐसा काम किया जिससे सीएम योगी भी उनके मुरीद हो गए। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में इस वक्त परेशानी ही परेशानी है। अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था सभी मुश्किलों में है, पूरा देश बंद है। तो वहीं इस हालात से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त रुख अख्तियार करते दिख रहे हैं और बंद का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड में है। तो वहीं अब समस्या के खिलाफ ये लड़ाई राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदिता के ऊपर उठती दिख रही है। जी हाँ, सूबे में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी के विधायकों से मुश्किल घड़ी में मदद की अपील की, तो आगे बढ़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मायावती को धन्यवाद दे डाला। दरअसल बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों से समस्या से बचाव और जरूरतमंदों की मदद के लिए विधायक निधि से 1-1 करोड़ रुपए देने की अपील की। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, देश भर के लोगों की परेशानी के मद्देनजर खासकर यूपी के बीएसपी विधायकों से अपील है कि वो भी पार्टी के सभी सांसदों की तरह अपनी विधायक निधि से कम 1-1 करोड़ रुपए अति जरूरतमंदों की मदद के लिए जरूर दें। बीएसपी के अन्य लोग भी अपने पड़ोसियों का जरूर मानवीय ध्यान रखें। मायावती ने इसके अलावा केंद्र सरकार से भी अपील की है कि विश्व बैंक से मिले 100 करोड़ डॉलर की सहायता को विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में उचित इस्तेमाल करें। उन्होंने जनता से अपील की कि वो परेशानी की इस घड़ी में सरकार का सहयोग करें। इधर मायावती ने ट्वीट किया, तो वहीं मायावती की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि सभी को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए और इस परेशानी के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में तो मौजूदा सीएम पूर्व मुख्यमंत्री के कदम की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में सत्ता पर काबिज हुए शिवराज सिंह चौहान पूर्व की कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटने में जुट गए हैं। जी हां, अब शिवराज ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला बदल दिया है जिससे लाखों कर्मचारियों को नुकसान होना तय है। जहां एक ओर कमलनाथ सरकार में लाखों कर्मचारियों को राहत मिली थी, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने पिछली सरकार का फैसला बदल दिया है। मतलब कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल कमलनाथ सरकार ने 5% डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाया था, लेकिन शिवराज ने सत्ता संभालते ही फैसले पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 16 मार्च को बढ़े हुए डीए के भुगतान संबंधी आदेश पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर विचार करने की बात कही है। दरअसल ये डीए कर्मचारियों को 1 अप्रैल से मिलना था। ये पहला मौका है जब बढ़े हुए डीए के आदेश जारी होने के बाद भुगतान पर रोक लगी है। आपको बता दें, पिछली सरकार ने अल्पमत की स्थिति को देखते हुए आनन फानन में 15 मार्च 2020 को 8 महीने की देरी के बाद 5% डीए देने का फैसला किया था और अगले ही दिन 1 अप्रैल को भुगतान किए जाने के आदेश दिए थे। बढ़े हुए डीए के भुगतान पर सरकार को हर साल 2700 करोड़ रुपए खर्च आ रहा था। आपको बता दें, मौजूदा समय में राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से 9% डीए कम मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को 21 तो वहीं प्रदेश कर्मियों को 12% डीए मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के फैसले की निंदा की है और इसे कर्मचारी विरोध सोच बताया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार ने 5% डीए बढ़ाया था तो बीजेपी ने इसका स्वागत भी किया था। कमलनाथ ने सरकार से कर्मचारी विरोधी फैसला बदलने की मांग की है। देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सरकार में कर्मचारियों को राहत कब मिलती है। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था के बंटाधार की। जब पिछले कई महीनों से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को आगाह किया जा रहा था कि देश आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है, तो सरकार हर बात को नजरअंदाज करती रही, जिसका नतीजा आज ये है कि जब देश में स्वास्थ्य हालात अच्छे नहीं है तो स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसे लेकर अब वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की विकास दर के अनुमान में इतनी कटौती की है जो पिछले 30 साल में कभी नहीं की गई थी। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने के सपने दिखाए थे। देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का ख्वाब दिखाया था, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि इन सपनों के बीच कई बड़ी बाधाएं हैं, जिसके चलते ये लक्ष्य हासिल करना कतई आसान नहीं है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही गर्त में जा रही है। तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा चुकी हैं, लेकिन जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। जी हाँ, फिच रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर 2% कर दिया है।
ये 30 साल का सबसे निचला स्तर होगा। रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य समस्या के कारण किए गए बंद से वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। इस साल वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, भारत भी इसकी चपेट में है। इसी को देखते हुए 2020-21 के लिए भारत के विकास दर अनुमानों को घटाकर 2% कर दिया गया है। फिच ने कहा कि ग्राहकों की मांग में गिरावट से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम और सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे पहले उसने मार्च में 2020-21 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर 5.1% कर दिया था, जबकि दिसंबर 2019 में उसने कहा था कि इस वित्त वर्ष में विकास दर 5.6% रहेगी। वहीं फिच से पहले ही एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भी 2020-21 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर 4% कर दिया। इतना ही नहीं, फिच और ADB से पहले रेटिंग एजेंसी मूडीज भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा चुकी है। साफ है कि पहले से सुस्ती झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं ने बुरा प्रभाव डाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि कैसे उस आर्थिक लक्ष्य को हासिल किया जाएगा जिसका सपना मोदी सरकार ने देश को दिखाया है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB Live। नमस्कार।